जिस तरह जापान के लोगों ने इन चुनौतियों का सामना किया है, हर समस्या से कुछ न कुछ सीखा है, उसका समाधान खोजा है और व्यवस्थाएं भी विकसित की है, व्यक्तियों का भी उस प्रकार से संस्कार किया है, ये अपने आप में सराहनीय है। इस दिशा में भी भारत ने CDRI यानी कोएलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर में लीड ली है। साथियों, भारत आज ग्रीन फ्यूचर, ग्रीन जॉब्स के लिए, कैरियर रोडमैप के लिए भी बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। भारत में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को व्यापक प्रोत्साहन दिया जा रहा है, ग्रीन हाइड्रोजन को हाइड्रोकार्बन का विकल्प बनाने के लिए विशेष मिशन शुरू किया गया है, बायोफ्यूल से जुड़ी रिसर्च और इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण पर बहुत बड़े स्केल पर काम चल रहा है। भारत ने इस दशक के अंत तक अपनी टोटल इंस्टॉल्ड पावर कैपेसिटी का 50% नॉन फॉसिल फ्यूल से पूरा करने का संकल्प लिया है। साथियों, समस्याओं के समाधान को लेकर भारतीयों का जो ये आत्मविश्वास है, ये आत्मविश्वास आज हर क्षेत्र में, हर दिशा में, हर कदम पर दिखाई देता है।